वो इन्फ्लेशन वो 20 से लेके 22% रहेगा, यानी 20 से 22% के दरमियान रहने की जो है। स्टेट बैंक ने आइंदा दो माह के लिए शराय सूद 22% पर बरकरार रखने का ऐलान कर दिया। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, महंगाई में कमी के बायस पॉलिसी रेट मुस्तहकम रखने का फैसला किया है। अभी जो पॉलिसी रेट जो था, जो कि लास्ट एमपीसी में डिसाइड किया गया था 22%, तो उसी के ऊपर कमेटी ने उसको बरकरार रखने का फैसला किया है। मरकजी बैंक ने महंगाई में नुमाया कमी के लिए 2 साल इंतजार करने को कहा है। तीसरे और चौथे क्वार्टर ऑफ 2025 के दरमियान हमारा जो मीडियम टर्म आउटलुक है इन्फ्लेशन के ऊपर 5-7%, सो इंशाल्लाह महंगाई जो है 5-7% पे आएगी। मरकजी बैंक के मुताबिक आइंदा माली साल में जीडीपी ग्रोथ 2-3% रहेगी।